सोहे मतलब भाई लोग कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज एक और प्यारा सा ब्लॉग लेके आ गया हूँ आपके सामने, और यार मेरे साथ जा रहे हैं अपने शुभम भाई, और देखो कैसे फोन पे लगे हुए हैं। और आज शुभम भाई ने बताया कि बहुत सारा नाके लगे हुए हैं कहीं ऊपर वाले। भाई देखते हैं यार, बाकी तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, अब जम्मू वालों की तरह निगर आपसे चलना है, ठीक है ना। तो मिलता हूँ आपको 2 मिनट में गोप्रो सेटअप में। गाइस यार यहाँ से कर दिया अपने ब्लॉग को स्टार्ट, और अभी चलते हैं। यार एक चीज बड़ी सही है हमारी, ये और ये हेलमेट एकदम डिटो है, बिल्कुल परफेक्ट है, घोड़ा घोड़ा ते हेलमेट हेलमेट सेम सेम बराबर है। तो यार अभी मैं चले जाता हूँ आगे, तो अभी सुमित भाई को बोलेंगे, सुमित भाई को बोलेंगे यार आगे निकलने के लिए। सबसे पहले तो मैं ही आगे जा रहा हूँ, और ये देखो जैसे हम निकले भाई पुलिस आ गई, PSP है भाई। गाइस अभी तैयार करते हैं, हम चलते हैं सीधे हाईवे वाली तरफ, और आज मन कर रहा है ना हमारा जिखैनी पार्क से होके जाना है, तो चौक से जाएंगे, चौक से होके जाएंगे। भाई गलत सीन हो गया हमारे साथ, क्या करें, पप्पू जाएं या नहीं, नहीं चलते हैं, चलते हैं, हाँ चलते हैं हाईवे यहाँ से। सो फाइनली गाइस यार मुझे पता लगा थी कि मेरी जो है ना माइक ही नहीं लगाई यार, मैंने कसम से यार पोपट हो गया। तो अभी शुभम भाई को बताया, तो चलो कोई बात नहीं, तो चलते हैं अभी अपनी बुम्बा त्रिक। ओ भाई स्किट कर गया था पिछला टायर, देखो सुपर भूसा, कोई सेंस है इस बात की। ओ भाई ये क्या था, आपने रिकॉर्ड किया है? ओ भाई मां कसम पीछे से पूरा भाई गंदे लेवल पे, नहीं नहीं पीछे कुछ नहीं आया, मतलब कि बीच है ना टायर स्किट कर गया। चलो चेक करो, आ जाओ गाइस यार, मतलब पंगा बन गया था यार, मतलब कि पिछला ना टायर वगैरह स्किट कर गया था, और यार लड़की के पीछे पीछे चलते हैं अभी, तो अभी चलते हैं यार, आ जाओ। सो फाइनली गाइस अभी भगा रहे हैं बहुत ही बॉम लेवल पे, तो ये चीज चेक करो भाई साहब, आप देखो यार, आप तो आएगा मजा बहुत मजा। शुभम भाई को देखो, ये देखो शुभम भाई नहीं मानते यार, उनके पास आ रहा 310 है, लेकिन फिर भी ना मैं कहीं तक अपने आप को मतलब घोड़े को ना बहुत भगाता हूँ अपनी वाली बाइक को। आ जाओ चेक करो भाई साहब, मतलब आ रहा 310, देखो कहाँ मानती है यार, लेकिन फिर भी फुल कंपटीशन देते हुए बहुत गदर लेवल पे चल रहा है। ओ लीन चेक करो भाई, बॉम लेवल पे यार, भाई कभी मेरे पास बाइक होती ना अच्छी, तो फिर देखना क्या ही तो लीन बजने थे। पता नहीं क्यों यार अभी मतलब हवा भी बहुत ज्यादा क्रॉस हो रही है, तो शुभम भाई तो आ रहे हैं यार, बाकी देखो आपको रेगुलर व्लॉग देखने को मिल जाएगा, और अभी जाएंगे हम वुमेन कॉलेज में, वहाँ पे रिएक्शन लेंगे, फिर से एक रिएक्शन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ जी स्टंट बाइट आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए भाई? सो गाइस अभी स्टार्ट कर दिया हमने, खतरनाक लेवल पे भाई चलता है, छोटा घोड़ा समझ रहे हो, छोटा ऐसे मतलब बोलते हैं मिनी हॉर्स, बहुत ही बॉम लेवल पे चलता है यार ये, देखो RR 310 को, वो तो भाई पावर है, पावर फील द पावर, ये चीज चक्कर भाई RR, आ जाओ भाई यार क्या ही तो बोलू, क्या ही तो बॉम राइड हो रही। करो थोड़ा सा होता ना इसमें पंप, देख रहे हो, ये देखो शुभम भाई थोड़ी सी रेस देंगे और 2 मिनट में आगे जाएगा, वो देखो अभी जाके ना हम बनाए थे रील्स, एंड पिछली जो रील्स है ना पिछले व्लॉग में यहाँ पे बहुत ज्यादा रील्स बनाई थी, बहुत ही मजा आया था। तो अभी चलते हैं यार स्टंट पॉइंट पे, यो निकलो भाई, ये चीज चेक करो भाई साहब, बॉम लेवल पे
आ जाओ भाई, मजा आ गया। ये देखो ये चक्कर है भाई। शुभम भाई तो कहा ही यार, क्या ही बोलूं यार, बाइक बहुत बॉम लगी मेरे को यार। भाई साहब इसका तो दम निकाल दिया मैंने, देख रहे हो, तो यहाँ पे आराम से हो गया। आपकी बाइक तो भाई कतई जहर है यार। अपने पास भी इतने पैसे होते ना, मतलब RR 330 फेंक के खरीद लेता भाई, मजा आ जाता है यार चलाने में। देख रहे हो भाई को यार। आज मैंने जैकेट सूट सी लगाई है, तो ये वाली जैकेट में ना हवा वगैरह और पानी वगैरह पास नहीं होता, तो इधर से हो जाते हैं लेफ्ट को। ये इनका पता नहीं क्या सीन है। मैंने सोचा निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती मेरी थी। नहीं गलती मेरी है। भाई उधर से सीधे इंडिकेटर बाद में दिया उसने, इधर पहुंचने के बाद यहाँ पे मैं, चलो ठीक है यार। इट्स कॉल्ड वुमन यार। निमन तभी ब्रेक लगा दी भाई, रोक लो। ऐसे ही वुमेन का खिताब थोड़ा मिला है यहाँ पे यार। अगर कोई मेरी सब्सक्राइबर या मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो वो कार वगैरह ड्राइव करते हैं या फिर स्कूटी वगैरह राइड करते हैं, तो प्लीज यार एक मतलब ध्यान रखना कि इंडिकेटर्स कहाँ के कहाँ को देना है। और अगर आपको लेफ्ट में जाना है, तो कम से कम आप जितना यहाँ से लेके ना ये गाड़ी जा रही है ना, इतना दूर से आपको एक सेकंड ना, मतलब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं देखो इस लाइन में हूँ, आपको अगर उधर जाना है आपने डायरेक्ट इधर को नहीं जाना, या इंडिकेटर देख के डायरेक्ट इधर को नहीं जाना, धीरे धीरे लाइन चेंज करनी जैसे मैं कर रहा हूँ। देख रहे हो ये स्पीड कम नहीं हो रही, फिर जब यहाँ व्हाइट लाइन से अंदर को आगे ना, फिर आपकी स्पीड कम होनी चाहिए और उसके बाद अपना मोड़ काट दो, ताकि ये जो हाईवे है ना, हाईवे पे आपका ब्लॉक नहीं करो अगले बंदों को या और भी बंदों को ब्लॉक नहीं करो। ये एक मेजर पॉइंट रहता है यार, मतलब कि बंदे क्या करते हैं हाईवे पे ही ब्रेक्स लगा देते हैं या अपनी स्पीड हाईवे पे मतलब कम कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपनी कार को या बाइक स्कूटी जो भी है उसको हाईवे से साइड पे ले आओ डिवाइडर के पास में, तो वहां पे जाके आप अपनी बाइक को आस्था कर दो, और वो एक मतलब सही रहता है। इससे क्या होगा कि आपको भी परेशानी नहीं होगी, और जो अनदर हाईवे पे चल रहे हैं तो उनको भी परेशानी नहीं होगी। तो अभी बनाते हैं थोड़ी बहुत रील्स। तो गाइस सबसे पहले ना देख लेते हैं कि ये टच होती है, तो उसके बाद देखते हैं यार क्या सीन रहता है। मैं वही देख रहा हूँ शुभम भाई, देखना टच हो रही है। नहीं है बस कंपनी मार जाओ, तो मारे ना एसयूवी ना बाइक तो टच हो जाएगी भाई, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो क्या बोलते हो गाइस, यहाँ से निकलनी चाहिए अपनी बाइक? नहीं, अब ऑडियंस पे एक डिपेंड करता है ना, कि देखते हैं कि अगर बोलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में हमको यहाँ से जंप चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये बाइक यहाँ से जंप करे, ठीक है, जहाँ इसके ऊपर से जंप करे नीचे वाली साइड, तो भाई अगले ब्लॉग में बिल्कुल दिखाएंगे। तो भाई के चैनल पे जाके ना अनकैच राइडर है, तो वहाँ जाके कमेंट डाउन करो नीचे जाके कि भाई स्टंट चाहिए। अगले ही दिन हमने कुछ नहीं करना है भाई, कैमरे उठाने और यहाँ पे आपको फुल शूटिंग मिल जाएगी, और देख लो आपको सीधे ब्लॉग पे स्टंट ही दिखेगा। अच्छा गाइस अभी यार उतर जाते हैं यहाँ से। ये नेक्स्ट ब्लॉग में भाई लोग जितने कमेंट हो सकते ना उतने कमेंट कर दो बस आप ये। हाँ और देख लो यहाँ पे शुभम भाई ने, उधर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस RR की कम है, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है। हाँ लेकिन चलो आपके लिए वो भी रिस्क लेंगे, यहाँ से उतरेगी RR 310। तो भाई जल्दी से कमेंट कर देना, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। अब बना लेते हैं थोड़ी बहुत रील्स। चलो जब भी थोड़ी सी वीली भी मार रहे हैं, और चेक कर लो यार शुभम भाई बना रहे हैं रील, ये आपको रील देखने को मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जाके चेकआउट मारना, आज बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो बनाई है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमने बहुत सारी रील्स बना दी, एंड चक्का भी उठाया, आपको देख ही लिया होगा। शुभम भाई को बोल दिया मैंने चलने के लिए, और आज यार तेल भी कम हो गया, पता नहीं क्या सीन हो गया। चलो अभी मैं इको मोड पे लगाता हूँ, 60-70 ही चलेंगे। शुभम भाई को मैं बोल देता हूँ, शुभम भाई 60-70 बस उससे ऊपर नहीं, ठीक है, 70-80। मैं इको मोड पे चला रहा हूँ, अब मैं चल कम हो गया यार। सो फाइनली गाइस यहाँ से निकल चुके हैं, और अभी देखो यार ये बोल रहे हैं किसी बंदे को लेना है वुमन कॉलेज से, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे वेट कर लेंगे हम उस बंदे का। आज यार मतलब बहुत ही तगड़ी रीले बनी है, क्या ही तो बॉम रीले बनी है, और शुभम भाई ने अपनी खुद कम बनाई है, मगर मेरी बहुत ज्यादा रीले बनाई है। एंड थैंक यू सो मच, बिग शाउट आउट है इनको भी। RR के ब्लॉग देखना चाहता है भाई, जाओ भाई को सपोर्ट दिखाओ, फुल मतलब तबाही वाला प्यार दिखा दो, ठीक, सपोर्ट करो निग्गर साहब से, भाई को भी टेंशन नहीं लो, मेरे पास RR 310 है, ये तो घोड़ा है, आपको पता है राजा DC के पास भी ये बाइक है, और बहुत ही प्यारी बाइक है भाई, मतलब ये सुपर बाइक से कम नहीं है यार।
यार, भाई ब्रेक ही कैलिपर बड़े हुए हैं इसको, थोड़े पैसे खर्च के और ज्यादा यही वाली ले ली होती या थोड़ा अच्छा ले लिया होता, बट यार मैंने, चलो यार मैं मतलब मेरी भी एक मजबूरी है ना, डेली अप डाउन करना है या कोई इशू नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं यार। अब मुझे जाना वॉशरूम में आया था, व्लॉग के टाइम पे ये चीज आ जाती है ना तो बहुत ही बुरा लगता है। अच्छा भाई लोग, यार सुकून का नाम सुना आपने? शुभ भाई सुकून का नाम सुना आपने? बस वो ही है बहुत ज्यादा। अरे वैसे नहीं, कभी जाके देखो, जब लगा हो फिर जाके देखना, बहुत सुकून मिलता है। चलो यार चले चले, जब यार यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो गई, अब RR 310 को आगे निकालेंगे। साथ में रखना। आपने ये कवर क्यों नहीं डाला है? प्रोटेक्शन होती है, थोड़ी डाल दिया करो। आज की राइड बहुत ही प्यारी रही, वैसे आपको राइड मिलते रहेंगी। अब एक दिन हम सोच रहे हैं ऑफ रोड करने जाएं, बट यार उस दिन ना मैं शुभमाई को बोलूंगा कि अपनी पल्सर लेके आए, मैं भी अपनी चेंज करूंगा बाइक। चेक करो यार भाई, घोड़ा बड़ा प्यारा दिखता है, लेकिन यही घोड़ा अगर काला कलर में लिया होता ना भाई, कतई जहर दिख रहा था, कतई जहर। मेरे को ना पहले रेड कलर अच्छा लगता था RR 310 का, लेकिन यार जब से ब्लैक देखे ना तो उसमें बहुत ज्यादा शाइन है, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं है शुभ भाई का अच्छा नहीं है, शुभ भाई का बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इसका बेस कलर है, समझ रहे हो। RR 310 का जो ब्लैक कलर आया ना भाई, एक नंबर आया, एक नंबर बॉम्ब कलर आया है। तो बैरिगेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं अंदर को चले जाता लेकिन यार ये बैरिगेट की चेने वगैरह लगी हुई है। सो गाइस अभी हाईवे राइड करते हैं खत्म, अब चलते हैं यार सिटी की तरफ। अब लेते हैं कॉलेज गर्ल्स का रिएक्शन, मतलब जो अभी तक यहाँ पे वीडियो पे बना रहा है ना, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यार अब मजा आएगा वीडियो में, अब याद रखना, क्योंकि अब जो जितने भी रिएक्शन आएंगे सीधे कॉलेज गर्ल्स के आएंगे, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया भाई लिटरली। अब मैं कल ही कराऊंगा अपनी फीस वगैरह जमा, भी चलते हैं यार जल्दी से रिएक्शन लेते हैं कॉलेज लड़कियों के। पप्पू भाई दोनों मतलब ओवरटेक कर रहे हैं, और मतलब जाना एक ही तरफ है फिर भी ओवरटेक कर रहे हैं भाई, कैसे कैसे लोग हैं यार, बीच का बंदर बना दिया है। उधर से इधर को चले, उधर से इधर को चले। तो गाइस अभी RR के हम रिएक्शन देखेंगे, सबसे पहले तो शुभम भाई को आगे निकाल देते हैं। रिएक्शन देखो अब यार भाई, अब लड़कियों के रिएक्शन, मुझे ना एक्चुअली में यहाँ पे पता भी नहीं है कहाँ पे कैसे जाना है, अब रिएक्शन चेक करते हैं। ओ भाई यहाँ पे देखो रिएक्शन चेक करो, नहीं नो रिएक्शन। सो फाइनली गाइस अभी हम ना वुमेन कॉलेज के बाहर पहुंच चुके हैं, अब पता नहीं यार आज छुट्टी है या क्या चीज है, लेकिन आज तो भाई कोई भी रिएक्शन गर्ल्स स्टूडेंट कोई भी नहीं दिख रही है पूरी। देखो एक आई लेकिन वो भी गाड़ी में चला गई यार। एंड यार अभी क्या पता, ये भी नहीं पता लगी कि आज छुट्टी है, भाई पोपट हो जाएगा। सो गाइस अभी 4 मिनट में मुझे ना ऑफिस भी पहुंचना पड़ेगा, और टाइम भी हो गया आपको पता है, बहुत बुरी हालत है यार, ही तो रिएक्शन मिलेंगे। मुझे तो लगता है भाई अंकलों के रिएक्शन ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, अब लड़कियां तो है नहीं। ओ तेरे कसे, लेकिन ना एग्जॉस्ट होगा ना तब मजा आएगा। एंड यार आज कहाँ पे गई सारी लड़कियां, हड़ताल पे चले गई क्या? जब हमने आना था तभी हड़ताल करनी थी क्या? अपील करनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, भाई प्लीज इनका कॉलेज जो है चालू करा दो। एंड यार हमको रिएक्शन लेने पढ़ाने के लिए नहीं चालू कराओ, रिएक्शन लेने के लिए चालू कराओ। तो गाइज हो गया हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम आज, मतलब की पूरा बाजार ही बंद है, और पता नहीं कॉलेज में भी छुट्टी है आज, पता नहीं कॉलेज में भी छुट्टी है, स्कैम हो गया यार हमारे साथ। तो भाई वो जो मजा लेना था ना आपने, वो तो हो गया अब कांड, उसका जो मजा था वो आपका हो गया किरकिरा, किसी और दिन आएंगे हम। भाई तू कितने हैवी ड्राइवर बन रहा है, रिएक्शन लड़कियों के तो नहीं लड़कों के जरूर मिल रहे हैं। आ जाओ भाई, बीच में कोई बंदा नहीं आना चाहिए भाई, सीन हो जाएगा। पिछली बार एक बंदा आ गया था एकदम लेफ्ट से राइट को जा रहा था भाई, लिटरली टच होते होते बचा था, सुपर ही हो गए हो। उधर लगाना स्टार्ट की, इधर तक पहुंच गए, चलो सही है, ठीक है फिर मिलते हैं। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और भाई ठीक हो, क्या नाम है आपका? सचिन। यहाँ से शुभ भाई के साथ ही हो भाई, कटरा से यार फिर, ठीक है ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइन ऑफ, रखते मित्रों, खुश रहो, जय हिंद, जय भारत।